एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए सिर्फ एक्टिंग जरूरी नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। तो वो बहुत सारी चीजें कहाँ से सीखोगे? एक्टिंग तो आप एक्टिंग स्कूल जाके सीख लोगे, थिएटर ज्वाइन करके एक्टिंग सीख लोगे, बट उसके अलावा जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से सीखोगे? तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पेशली ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो 12th में है अभी, और नेक्स्ट ईयर वो ग्रेजुएशन में जाने वाले, लाइक ग्रेजुएशन वाली डिग्री ऑप्ट करने वाले, उनके लिए ये वीडियो खास कर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है साहिल झा और मैं एक एक्टर हूँ, और इस एक्टर के आजकल थोड़े डार्क सर्कल्स आ गए हैं तो उसे इग्नोर करना। तो ये वीडियो का टॉपिक होने वाला है मास मीडिया और BAMMC। एक वक्त था जब इंडिया में मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन की कोई वैल्यू नहीं थी, बट फिल्म्स लाइक ये जवानी है दीवानी, वेकअप सेड, एक्टर्स लाइक आयुष्मान खुराना, इन्फ्लुएंसर्स लाइक मोस्टली सेम गर्ल प्राजक्ता कोहली, इन लोगों ने पब्लिक को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया एंड क्यूरियस बनाया है अबाउट दिस कोर्स। लोग, जिन लोगों को कुछ पता नहीं था मास मीडिया के बारे में, उन्हें भी पता लगा इन एक्टर्स, इन फिल्म्स के इंटरव्यूज देखने के बाद, फिल्में देखने के बाद लोग क्यूरियस हुए। आपने देखा होगा ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर को, वेकअप सेट में रणबीर कपूर को, जो मास मीडिया के लाइफ, मास मीडिया स्टूडेंट या मास मीडिया प्रोफेशनल की लाइफ दिखाई है उस फिल्म में। तो ये चीजें बहुत ज्यादा क्यूरियस करती है, क्यूरियस बनाती है पब्लिक को अबाउट दिस कोर्स। मैं भी ये कोर्स ऑप्ट कर रहा हूँ। मैं अभी करेंटली सेकेंड ईयर ऑफ मास कम्युनिकेशन में हूँ। यस, मैं दिखने में नहीं हूँ सेकेंड ईयर वाला, बट मैं छोटा हूँ, मैं अभी 19-20 साल का ही हूँ। तो मेरे को तुम लोग उम्र मत पूछा करो, मैं आज बता देता हूँ कि मैं सिर्फ 19 साल का हूँ, अगले महीने 20 साल का हो जाऊंगा, ठीक है? तो मैं अभी सेकेंड ईयर ऑफ मास कम्युनिकेशन में हूँ एंड थर्ड ईयर में आई एम गोइंग टू ऑप्ट जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के अलावा भी 2-3 ऑप्शन होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो मास मीडिया, जो पहले मास मीडिया के नाम से जाना जाता था कोर्स, अभी BAMMC के नाम से जाना जाता है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। ये कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मीडिया कोर्स है तो आपको मीडिया से रिलेटेड A to Z चीजें इस कोर्स में पढ़ाई जाएंगी। प्रैक्टिकल्स होंगे, पूरा सब्जेक्ट, पूरा कोर्स ही प्रैक्टिकल है, तो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल होंगी। यस, थियोरेटिकल चीजें भी है, बट मोस्टली चीजें इसमें प्रैक्टिकल होती है, आपके असाइनमेंट्स, आपके इंटरनल्स, एवरीथिंग प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट ईयर ऑफ मास कम्युनिकेशन में आप, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिग्री कोर्स है, आप 13th से ये कोर्स चूज कर सकते हो, 13th, 14th, 15th आपका जो डिग्री पीरियड होता है वो आप ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। ये कोर्स में आपको फर्स्ट ईयर में सारी चीजें बेसिकली बेसिक स्क्रैच से सिखाई जाएगी अबाउट मीडिया। आपको एडवर्टीजमेंट का बेसिक सिखाया जाएगा, आपको जर्नलिज्म का बेसिक सिखाया जाएगा, आपको पब्लिक रिलेशंस का बेसिक सिखाया जाएगा, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड ऐसी 6 सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको सारी चीजें बेसिक क्लियर कर देंगे आपके मीडिया से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगे वो। सेकेंड ईयर में आते आते थोड़ा एडवांस होता है ये कोर्स, आपको एडवांस मीडिया के बारे में बताया जाएगा। मीडिया आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मीडिया बहुत एक वाइड रेंज ऑफ स्कोप है मीडिया में, टेलीविजन मीडिया, ब्रॉडकास्ट, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, प्रिंट मीडिया, मतलब ये सारे मीडिया के एलिमेंट्स होते हैं। मीडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। पब्लिक रिलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ मीडिया स्कोप्स, ठीक है? तो इसमें काफ़ी सारे स्कोप है। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप इसे 0.75x पे सुनना, क्योंकि मेरा स्पीड स्लो नहीं होता अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो। आई डोंट नो आप कितने अच्छे लिसनर हो, बट बन जाओ लिसनर, ठीक है? इस कोर्स में आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा एंड गुड स्पीकर भी। लाइक ये कोर्स जो है कम्युनिकेशन बेस्ड कोर्स है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आपके कम्युनिकेशन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। तो यस, अब थर्ड ईयर आते आते आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, बट जो थर्ड ऑप्शन है वो सारे कॉलेजेस में नहीं होता, बहुत कम कॉलेजेस में होता है। तो मोस्टली कॉलेजेस में 2 ऑप्शंस होते हैं लास्ट ईयर में चूज करने के लिए। मैं आपको 3 ऑप्शंस बता देता हूँ। फर्स्ट होता है फिल्म मेकिंग, सेकेंड होता है जर्नलिज्म, थर्ड होता है एडवर्टीजमेंट। तो जिसमें से फिल्म मेकिंग सारे कॉलेजेस में नहीं होते हैं, फिल्म मेकिंग बहुत कम ही कॉलेजेस में है, इवन मेरे कॉलेज में भी नहीं है फिल्म मेकिंग। जो बाकी के 2 कोर्स है जर्नलिज्म एंड एडवर्टीजमेंट, ये सारे कॉलेजेस में होते हैं। तो फिल्म मेकिंग में आपको फिल्म से रिलेटेड सारी चीजें सिखाई जाएगी, एक फिल्म कैसे बनती है वो पूरा प्रोसेस A to Z, लाइक AD से लेके DA से लेके
कैमरामैन लाइटमैन से लेकर एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी इन फिल्म मेकिंग कोर्स। डोंट वरी, फिल्म मेकिंग सब्जेक्ट आपके सेकंड ईयर में भी होगा, पूरे ईयर में थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में आपको फिल्म मेकिंग सिखाया जाएगा। एक सब्जेक्ट होता है पर्टिकुलर, थर्ड ईयर में स्पेशलाइजेशन होता है फिल्म मेकिंग का जो सारे कॉलेजेस में नहीं होता। तो अगर आपको फिल्म मेकिंग ही करना है थर्ड ईयर में तो आप कॉलेज देख के डिसाइड करना कि कौन सा कॉलेज चाहिए। बाकी जो दो कोर्स है जर्नलिज्म एंड एडवर्टीजमेंट, देखो पहली बात तो तीनों कोर्स में से आप कौन सा भी कोर्स लो आप डायरेक्ट एक्टर नहीं बन सकते उससे। मास मीडिया का डायरेक्ट रिलेशन विद एक्टिंग और मॉडलिंग नहीं होता, यह बात आपको पता ही होगी। बट यस इट हेल्प्स यू, लाइक फिल्म मेकिंग लोगे तो आपको फिल्म के बारे में ए टू जेड चीजें पता चल जाएंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि एक एक्टर बनने के लिए, सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए आपको एक्टिंग के अलावा बहुत कुछ आना जरूरी है, और वो बहुत कुछ में यही चीजें होती है कि आपको फिल्म कैसे बनती है उसके बारे में कितना नॉलेज है, मीडिया ओवरऑल जो मीडिया है क्योंकि फिल्म रिलीज होने के बाद वो मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाती है तो आपको मीडिया के बारे में कितना नॉलेज है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक आप अगर ओवरऑल पैकेज लेके चल रहे हो अपने राह पे, एक्टिंग के राह पे, तो आपको इजीली सक्सेस मिल सकता है क्योंकि आपको एक्टिंग के अलावा बहुत सारी चीजें नॉलेज है। समझ में आ रहा है आपको? कैमरास के बारे में आपको नॉलेज है, फोटोग्राफी सब्जेक्ट होता है इसमें, यू नो, तो एक्टिंग तो आप सीख लोगे बट उसके अलावा जो चीजें हैं ना वो आपको ये कोर्स डेफिनेटली सिखा देगा। एंड इवन आपके कॉन्टैक्ट्स भी बनवा देंगे इस इंडस्ट्री से, क्योंकि इंटरनल्स प्रैक्टिकल्स इसके ऐसे ही होते हैं, आपको फिल्म शूट करने बोलेंगे आपको ये, लाइक बहुत सारी चीजें फिल्म से रिलेटेड, ठीक है, नॉट ओनली फिल्म, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड सारी चीजें, देन पीआर पब्लिक रिलेशन से सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, एडवर्टीजमेंट से। तो फिल्म मेकिंग स्पेशलाइजेशन के बाद आता है जर्नलिज्म एंड एडवर्टीजमेंट। अगर आपने जर्नलिज्म चूज किया तो आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, रिपोर्टर एंकर वाला जर्नलिस्ट। देन न्यूज मीडिया जो होती है उसके पीछे जितना काम होता है वो सारी चीजें जर्नलिज्म में आती है, वेदर इट इज कॉन्टेंट राइटिंग, एडिटिंग एंड कुछ भी, एंकरिंग, टेक्स्ट प्रॉम्प्टर, देन ऐसे मल्टीपल चीजें। मेरे को अभी पॉइंट पे याद नहीं आ रहा, देखो मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बता रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है, ये विदाउट स्क्रिप्टिंग है, जो आ रहा है मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये सारी चीजें जर्नलिज्म में होती है। थर्ड होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में एड कंपनी में आप काम कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर सकते हो, पीआर में काम कर सकते हो, पीआर जर्नलिज्म में भी होता है, दैट इज पब्लिक रिलेशंस। तो ये सारी चीजें एडवर्टीजमेंट जर्नलिज्म में होती है। आप तीनों लेके, तीनों स्पेशलाइजेशन लेके, तीनों में से कोई भी लेके आप एक्टर बन सकते हो, आप मॉडल बन सकते हो, आपको कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। आप जर्नलिज्म लेके भी एक्टर बन सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट लेके भी एक्टर बन सकते हो, आप फिल्म मेकिंग लेके भी एक्टर बन सकते हो। तो अब मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक्टर हूँ, ठीक है, और मैं जर्नलिज्म लेने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर में। मेरा रीजन क्या है जर्नलिज्म का? फर्स्ट रीजन है कि मेरे कॉलेज में फिल्म कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, फिल्म मेकिंग वाला स्पेशलाइजेशन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास जर्नलिज्म का। जर्नलिज्म मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आई हैव अ बिट इंटरेस्ट इन जर्नलिज्म, जर्नलिंग मेरे को पसंद है, एंकर बनना, लाइक कैमरा के आगे बोलना। सेकेंड, इट विल बी माई बैकअप प्लान एक्टिंग में, अगर नहीं बाई एनी चांस एक्टिंग में मेरे को सक्सेस नहीं मिलती है तो आई विल हैव माई जर्नलिज्म की डिग्री। आई कैन बिकम अ गुड जर्नलिस्ट बिकॉज आई कैन स्पीक वेल, आई गेस। सो ये चीज है। सेकेंड चीज, कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म इज टोटली कम्युनिकेशन बेस्ड कोर्स, तो कम्युनिकेशन मेरी बहुत ज्यादा सुधर जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी फ्यूचर में। कॉन्टैक्ट बनेंगे इफ आई बिकम एंटरटेनमेंट न्यूज रिपोर्टर बॉलीवुड का, तो मेरे कॉन्टैक्ट, नेटवर्किंग मेरी काफी अच्छी हो जाएगी फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये चीजें हैं, क्योंकि जब तक एक्टिंग में प्रॉपर सक्सेस नहीं मिलता तब तक मुझे कुछ तो करना है, तो इसलिए अभी तो फिलहाल मैं स्टूडेंट हूँ, बट एक साल के बाद मुझे कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि एक्टिंग का तो भरोसा नहीं है मेरे को। इस साल सक्सेस मिला 2025 में, 2026 में, 2027 में, बट तब तक मुझे कुछ तो करना है, तो वो कुछ तो के लिए मेरा ऑप्शन है जर्नलिज्म, ठीक है। आप अपने चॉइस के हिसाब से एडवर्टीजमेंट भी चूज कर सकते हो, जर्नलिज्म भी चूज कर सकते हो, फिल्म मेकिंग भी चूज कर सकते हो। तीनों की अच्छी पैकेज है, तीनों में काफी बड़ा स्कोप है, तो तीनों काफी अच्छे स्पेशलाइजेशन है। तो ये था कोर्स ऑफ BAMMC, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। कोई भी स्टूडेंट ये मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकता है अगर आपने 12th
कर लिया है तो 12th की डिग्री होगी आपके पास, 12th का सर्टिफिकेट, तभी आप ये कोर्स कर सकते हो। आप आर्ट से हो, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, आप ये कोर्स कर सकते हो। इस कोर्स की फीस भी बहुत मिनिमल होती है, आप कॉलेज बाय कॉलेज डिपेंड भी करता है, ऑटोनॉमस कॉलेज की अलग होगी, नॉर्मल कॉलेज की अलग होगी, फीस वगैरह आप पता कर लो। बट ये 3 साल का कोर्स होता है, फिर इसके बाद इसमें मास्टर्स भी होता है, तो मास्टर्स अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं अभी जस्ट एक बैचलर कोर्स की एक्सप्लेनेशन दे रहा था, ठीक है। तो ये था BAMMC। अब ये आपको एक्टर बनने में कैसे हेल्प करेगा वो तो मैंने बता दिया, ये आपको एक्टर बना नहीं देगा, बट एक्टिंग के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है ना एक्टिंग के अलावा, वो सारी चीजें आपको ये सिखा देगा। आपको मीडिया के बारे में नॉलेज हो जाएगा, आपको फिल्म टीवीज के बारे में नॉलेज हो जाएगा, आपको फिल्म मेकिंग के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि आप फिल्म मेक बन रही है, आप उसमें एक्टिंग कर रहे हो, बट आपको एक्टिंग के अलावा पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है सेट पे, ठीक है, कैसे काम हो रहा है, एडी का क्या काम है, डायरेक्टर्स असिस्टेंट का क्या काम होता है, कैमरामैन का क्या काम होता है, सिनेमेटोग्राफर का क्या काम होता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये होता है मास कम्युनिकेशन में, आपको मल्टीपल चीजें सिखाई जाती है जिससे आपके करियर के सक्सेस होने में बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आप बीकॉम वगैरह ले रहे हो, प्लेन बीकॉम कर रहे हो, तो आपको इतनी नॉलेज नहीं मिल पाएगी, ऑफकोर्स आप एक्टिंग सीख लोगे बट उसके अलावा सारी चीजें नहीं सीख पाओगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कोर्स है, काफी फन कोर्स है ये, आप इसके बारे में एक्सप्लोर करो, और ऑफकोर्स मैं ये छोटे से वीडियो में इतना सारा नहीं बता सकता, बट आप एक्सप्लोर करो, डिमांड आएगी तो मैं और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अबाउट सिलेबस एंड ऑल, बट ये वीडियो में इतना ही। मास कम्युनिकेशन इज अ गुड एंड अ फन कोर्स, आप एक बार कंसिडर कर सकते हो। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आपको मीडिया में इंटरेस्ट है, तो आप कर सकते हो। आप देख ही रहे होगे कि कोविड के बाद मीडिया कितना बूस्ट पे चल रहा है, हर जगह मीडिया ही होता है, वेदर इट इज जर्नलिज्म, वेदर इट इज फिल्म, वेदर इट इज सोशल मीडिया, एनीथिंग मीडिया से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा आजकल बूस्ट पे चल रही है। तो एक वाइड स्कोप है इस कोर्स में, तो आप डेफिनेटली ये कोर्स को चूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, दिस वॉज इट, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कुछ तो समझा होगा आपको, तो कुछ तो भी समझा होगा तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना वीडियो चैनल को। बाकी टेक केयर।